प्रेज लॉर्ड जेम्स की एक और बार एक और सुबह जो प्रभु की है, गॉड्स मॉर्निंग आई वुड से। ये एक प्रभु की सुबह है, प्रभु आपको आशीष करे। स्वागत है आपका विजनरी टीवी के 10 मिनट प्रभु के साथ इस शो में, स्वागत है। आमेन। प्रभु आप पर अनुग्रह करें मेरे प्रियो। कल हमने जो है प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय पढ़ा था और आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। आमेन। आइए शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा बहुतायत से प्रकट हो सुनने वाले के हृदय प्रभु, तेरे वचन से, तेरी सामर्थ से और पवित्र आत्मा से भर जाए, जैसे कि प्रभु तूने प्रेरितों के काम में प्रभु भरा है। हमें फिर से भर दे, हर एक सुनने वाले को भर दे। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए शुरुआत करते हैं। ये 8वां अध्याय है और 8वें अध्याय में हम 7 बातों को देखेंगे, 7 अलग अलग चीज़ें। कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर हम ये समाप्त करेंगे। आइए प्रभु की स्तुति करें। 8वें अध्याय के पहले वचन से लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ, आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया के देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तफनस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। हमने पिछले अध्याय में हमने सीखा कि किस प्रकार से स्तिफनुस ने बलिदान दिया, किस प्रकार लोगों ने स्तिफनुस को जो है मार डाला पथरवाह करके, और सारी बातों को आप जानते हैं। और ये शाउल वहाँ पर उसकी मृत्यु में सहमत था। शाउल यहाँ इम्पॉर्टेंट क्यों है? हर बात के लिए, जैसा कि मैंने कहा, लिखने वाला लेखक जो इस पुस्तक का है वो लूका है, और लूका जो है हर चीज़ को बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से, सही तरीके से लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं। यहाँ जानने की ज़रूरत है पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, और वो अगुवाई यहाँ पर हम देखते हैं। आइए, किस प्रकार से, ये वो व्यक्ति है जो सताने वाला ठहरा कलीसिया को, और इसके पीछे कारण कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आगे वो स्वयं बताएगा। अगर आप पवित्र वचन ढंग से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपने पढ़ा है तो आपको पता है, और प्रभु आपसे आज बात करेगा नए तरीके से। आमेन। आगे बढ़ते हैं। उसने सताया कलीसिया को, कलीसिया तितर बितर हुई। देखने में तो ये बहुत मुश्किल और बड़े दुख का समय था, और तब तक हम जब तक अगर उस परिस्थिति में होते हैं, और आज के दिन भी जब ऐसा देखते हैं तो वाकई में बहुत मुसीबत में, चिंता में और बोझ में होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात हो रही है, एक अद्भुत बात हो रही है। उस अद्भुत बात को हम देखेंगे। एक ऐसा काम, ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनुग्रह आशीष में हमने देखी, बहुतायत से देखी, और वो सब यहाँ हो रहा है इसके द्वारा से। शाउल कलीसिया को सताने लगा, और कलीसिया जो तितर बितर हुई उसमें भी परमेश्वर ने भलाई उत्पन्न की। क्या है भलाई? आगे पढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट जो है, समरिया में फिलिप्पुस का प्रचार। अब ये फिलिप्पुस जो है, प्रभु का जो सेवक है, वो जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिर फिलिप्पुस समरिया नगर में गया, जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी, लंगड़े अच्छे हुए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्यों आनंद? क्योंकि अब प्रभु का वचन आया है, छुटकारा आया है, आशीष आई है, और अंगीकार आया है। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट लिटिल डिफरेंस इज देयर। बहुत छोटा सा फर्क है। या तो मैं ये कह दूँ मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता, या फिर मैं कहूँ कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ जो मेरा उद्धार करता है। इस विश्वास से, इस अंगीकार से ही जिंदगी बदल जाती है। इस विश्वास से, इस अंगीकार से ही हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होता है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है इस अंगीकार से। और ये अंगीकार था जो कि उन्हें बचाने वाला और बढ़ाने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं, नवे वचन से देखते हैं शमौन जादूगर के बारे में। ये शमौन जादूगर कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसे लोगों को, जो कि कुछ नहीं जानते थे, उन्हें अपने अपने जो है चमत्कार के तरीके, जो कि वो लोगों को भरमा कर, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर, ये जादूगर था। और ये जादूगर जो है अपनी कला से लोगों को भरमाता था, और इस कारण से लोग जो हैं वो उसको पूजने लगे, उसका आदर सम्मान करने लगे। और अगर यहाँ 10वें वचन में देखें, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करके कहते थे,
यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। बरगलाने वाले और बुराई पैदा करने वाले लोग हमेशा उल्टे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनके कारण लोगों में ना अलग अलग तरह की बातें आती है, लेकिन सीधा संदेश किसी को स्वीकार नहीं होता। मसीह का संदेश सीधा है और इसीलिए अस्वीकार किया गया, लेकिन ये संदेश हमारे कानों की खुजली के अनुसार है, हमारे हम जो वो सुनना चाहते हैं, हम जो देखना चाहते हैं उसी के अनुसार है, इसलिए एवरीवन वेलकम्स दैट, उसका हर एक जन स्वागत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस शमौन के अंदर भी वो बात थी। यहाँ पर हम एक हमारे कहावत देखते ना, बोलते ना अक्सर, अंधेरी नगरी में काणा राजा, या जंगल में किसी ने जब मोर नाचा किसने देखा। भाई अगर कोई चीज़ है तो वो सबके सामने स्पष्ट हो। ये थोड़ी जगह पर लोगों को भरमा रहा था और वो काम कर रहा था, इससे उसकी जीविका चल रही थी। और आज आसपास हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं लौकी खाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और लाल चटनी के साथ पकौड़े खाओ तो तुम्हारे जीवन में बहुत आशीषें होंगी। और ऐसे लोगों को आप जानते हैं, सुना होगा आपने, प्रभु आप सबके साथ हो, बुद्धि के साथ प्रभु आपको बढ़ाए। शमौन जादूगर ने जब यहाँ पर फिलिप्पुस जब आते हैं, जब यहाँ पर 12 वचन में देखते हैं, तब जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या स्त्री क्या पुरुष क्या सब कुछ सब बपतिस्मा लेने लगे। और तब 13 वचन में, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। ये उसका स्वभाव था, दैट वॉज हीज प्रोफेशन, और अभी उसके प्रोफेशन से मिलता जुलता उसे कोई मिला है, फिलिप्पुस। परंतु फिलिप्पुस ये चमत्कारिक काम जो उसके हैं, फिलिप्पुस की जो प्रार्थना है, फिलिप्पुस का जो संदेश है, वो परमेश्वर का संदेश है। जो शमौन जादूगर करता था ये उसकी खुद का टैलेंट था और ये एक तरह की एक अलग विद्या है, पर यहाँ पर जो भी कुछ फिलिप्पुस के द्वारा हो रहा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर की योजना है जो सबके लिए प्रकट हो रही है। शमौन वो सब छोड़कर, जो लोग उसके पीछे चलते थे वो सब उसको छोड़कर किसके पीछे आए हैं, यहाँ पर वो फिलिप्पुस के पीछे आए हैं। फिलिप्पुस उनको लेकर गया है यीशु के पास, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास के साथ। कहानी इसके आगे भी है। पांचवी बात जो है अब हम यहाँ देखेंगे, 14 वचन से शुरू होती है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पत्रस और यहुन्ना को उनके पास भेजा। अब इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए अब क्रूसेड हो रहा है, मतलब अब बहुत बड़ी सभाएं हो रही हैं, अभी जो है मास फेलोशिप्स शुरू हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कहानी ये है, अगर आपने मेरा प्रोग्राम द फेथ हिस्ट्री, जो कि हर रविवार शाम को 7:30 बजे विजनरी टीवी यूट्यूब चैनल पर है, और उस चैनल पर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ एक बड़ी खास बात है। मैंने इतिहास के बारे में बताया, यहूदिया के बारे में बताया, समरिया के बारे में बताया। समरी वो लोग थे जिनसे यहूदी घृणा करते थे, उन्हें बिल्कुल नीची जाति का समझा जाता था। आज यहाँ पर एक अद्भुत काम हो रहा है, और उस अद्भुत काम को देखकर जब मसीह लोगों ने विश्वास में पाया, चेलों ने पाया, तो चेले वहाँ पर अब सुसमाचार की सेवा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये भी वो यहूदी थे जो पहले से हटा दिए गए और अब अन्य जातियों के रूप में कहलाए गए। पर अब इतिहास अलग है, हम इतिहास के बारे में और सीखेंगे। और इस प्रकार से वहाँ पर किस प्रकार जब वहाँ पर पत्रस और यहुन्ना पहुँचते हैं 14 वचन में हम देखते हैं, तो वहाँ सुसमाचार की सेवा को एक अलग ही रूप में हम देखते हैं। आमेन। इसके बाद हम आगे देखेंगे, छठा पॉइंट 26 वचन से देखेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर जा, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। अब यरूशलेम से गाजा आप बहुत सुनते होंगे, राइट? इस समय लड़ाई जो चल रही है यरूशलेम और गाजा पट्टी और जो दूसरे आसपास के मामलों में, वो सब कुछ है। इसके बारे में आप द फेथ शो हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है, उसमें आप सीखेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। यदि आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हर रविवार शाम को 7:30 बजे मेरे प्रोग्राम में आइए, राइट? 27 वचन से जब हम देखते हैं, तो फिलिप्पुस वो है जिसे पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आकर कहता है कि वहाँ जा, गाजा पट्टी की तरफ जा, वहाँ पर तुझे एक व्यक्ति मिलेगा जो रथ पर जा रहा है। वो कौन है? यहाँ 27 वचन में लिखा है, वो क्रूस देश के एक वह क्रूस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा है, और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजानची है। नॉट अ नॉर्मल पर्सन, एक बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो वहाँ से जा रहा है, और वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। और फिलिप्पुस ने जाकर उसे सुसमाचार सुनाया, उसने उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से पढ़कर समझाया, और जब उसे पढ़कर समझाया तब उसने अपना मन फिराया और उसने कहा
कि मुझे क्या रोक है, यहाँ जल भी है, यहाँ पानी भी है, और अब मुझे पानी से जल से बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तब 37 वचन ध्यान से सुनिए, ये जरूरी है। 37 वचन में फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। अब यहां पर खोजा उत्तर दे रहा है, लिखा है उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस ने खोजा को जल में उतर कर बपतिस्मा दिया। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। पर यहां एक बहुत बड़ी चीज है, यहां पर लोग मिस गाइड करते हैं मेरे प्रियो। लोग ऐसे लोग हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसे चर्च हैं जो आकर और आपको भरमाते हैं और ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने में देर क्या है, आज विश्वास किया आज बपतिस्मा लो। और ऐसे लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह विश्वास किया और शाम को वो बपतिस्मा दे देते हैं लोगों को। इट्स अ स्टोरी राइट। ये एक बहुत अलग बात होती है, आई हैव सीन इट, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो ये कहते हैं कि ये बात सही है, ये वचन के अनुसार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो कि पहले कुरिन्थियों के अंदर हम देखते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, क्योंकि जो बपतिस्मा लेता है वो प्रभु भोज में शामिल होने का अधिकारी ठहरा। लेकिन पहली सभा में, पहले ही कुछ दिनों में, शुरुआती दिनों में किसी व्यक्ति का पूर्ण रीति से ये समझ पाना आसान नहीं है। समझते हैं लोग, स्वीकार करते भी हैं, वो काफी है। पर प्रभु का वचन कहता है जो खाते पीते समय प्रभु की देह और लहू को न समझे, और तो वो लहू और देह का अपराधी ठहरेगा। और देर आर मोर रीजंस, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, यहाँ पर गलत डॉक्ट्रिन शुरू होती हैं। इसलिए सिद्धांतिक रूप से वचन को, पृष्ठभूमियों को समझना जरूरी है। इसलिए हम एवरीडे मॉर्निंग डिवोशन में हैं, 10 मिनट प्रभु के साथ। सो ये सारी बातें प्रभु आपको सिखाए, हम इन बातों पर और चर्चा करेंगे। आने वाले समय में नई बातें होंगी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से शाऊल के बारे में अगले अध्याय में बात होती है, अध्याय 9 कल सुबह। आमेन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। यदि प्रभु आपके मन में बोझ डाले, आप विजनरी टीवी के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी सेवकाई से इस सेवकाई के लिए दे सकते हैं, ताकि प्रभु की सेवकाई में हमें सहायता मिले, हम और बेहतर और बहुत सारी व्यवस्थाओं को तैयार करके आगे प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप सके। आमेन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।